प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की यहाँ पर परिभाषा है, जहाँ विसर्ग में परिवर्तन होता है वहाँ विसर्ग संधि होती है। आज हम विसर्ग संधि का दूसरा और तीसरा नियम पढ़ेंगे। विसर्ग संधि का दूसरा नियम है, यदि ई या ई, ये ई के ऊपर दो लगा हुआ है या ई की घात दो लगी हुई है, यहाँ ऊ की घात दो लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि या तो छोटी ई हो या बड़ी ई हो, या छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, तो ई या ई के बाद विसर्ग आए और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या ये, रे, ले, वह, ह या स्वर, इनमें से कोई सा वर्ण आए तो विसर्ग आधे रे में बदल जाता है। हम संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द के दो खंड करते हैं। पहले खंड को पहला शब्द और दूसरे खंड को दूसरा शब्द कहते हैं। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है। हमारे पास ये कई उदाहरणों द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, व्यंजनों को पांच भागों में बांटा गया है या पांच भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसे क वर्ग कहते हैं, इसे च वर्ग कहते हैं, इसे ट वर्ग कहते हैं, इसे त वर्ग कहते हैं और इसे प वर्ग कहते हैं। ये है प्रथम वर्ण, ये है द्वितीय वर्ण, ये है तृतीय वर्ण, ये है चतुर्थ वर्ण और ये है पंचम वर्ण। इस तरीके से इनके ये नाम हैं, ये वर्ग हैं, ये क च ट त प, ये प्रथम वर्ण कहलाते हैं। ख चे ख छे ठे थे फ, ये क्या है, द्वितीय वर्ण है, ये तृतीय वर्ण है और ये चतुर्थ वर्ण है और ये पंचम वर्ण है। चाहे हमको हम इन्हें ऐसे गिन सकते हैं और ऐसे भी गिन सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। जब हम संधि विच्छेद करते हैं या संधियाँ जब हम पढ़ते हैं तो अक्सर कर ये वर्ण हैं हमें काम आते हैं। तो यहाँ पर कई उदाहरणों द्वारा ये विसर्ग संधि को समझाया गया है। पहला यहाँ पर उदाहरण है वही प्लस गमन, वही प्लस गमन। अब यहाँ पर है में ई की मात्रा लगी है में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, ये इसको हम प्रथम शब्द कहेंगे और इसको द्वितीय शब्द कहेंगे। संधि विच्छेद करते समय प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है तो अंतिम वर्ण है यहाँ पर ह, इसके बाद दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है तो प्रथम वर्ण है यहाँ पर ग, और ये ग है प्रथम वर्ण। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर छोटी ई, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी हुई ई हो, इसके बाद विसर्ग आया है और विसर्ग के बाद ये दूसरा जो शब्द है उसके प्रथम वर्ण की ध्वनि क्या है, गे, गे है। तो गे कहाँ पर आ रहा है, ये के वर्ग का तीसरा वर्ण है ग, तो गे यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है तीसरा वर्ण, इसलिए विसर्ग है जो आधी रे में बदल जाएगा। तो यहाँ पर वही विसर्ग की जगह रे होगा, रे यहाँ पर आधा है तो आधा का रे, इधर हमारे पास स्वर नहीं है इसलिए रे आधा का आधा रहेगा, तो ये बाद वाले वर्ण पर चला जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा बहिर्गमन। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया गया है निहि प्लस धन। यहाँ पर ई, ई ने में ई जुड़ा हुआ है तो ई यहाँ पर आ गया है छोटा ई, इसके बाद विसर्ग आया है, विसर्ग के बाद में ये ध,
ध्यवर्ण आया है, और ध्यवर्ण ये चौथा वर्ण है, तय वर्ग का चौथा वर्ण है ध्य, तो चौथा वर्ण यहाँ पर आ रहा है। ये तो है प्रथम शब्द और ये है दूसरा शब्द। दूसरे शब्द में ये वाले वर्ण आना चाहिए, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ये र ल ब ह य स्वर, और प्रथम शब्द में ये ध्वनि आना चाहिए और दूसरे शब्द में ये वर्ण आना चाहिए। तो ये दूसरे शब्द में ये चौथा वर्ण आ गया ते वर्ग का धे, इसलिए ये विसर्ग है वो आधे रे में बदल जाएगा। तो आधा रे होते ही, क्योंकि इधर हमारे पास स्वर नहीं है, अगर स्वर होता तो उसमें रे में मात्रा लग जाती और वो पूर्ण व्यंजन हो जाता। तो ये इस तरीके से हुआ निर्धन। इसी तरीके से यहाँ पर नीही प्लस उत्तर, अब यहाँ पर ई ने में ई की मात्रा लगी हुई है, ने में ई की मात्रा लगी हुई है, इसके बाद में विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद में यहाँ पर ऊ आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है। तो ऊ क्या है, यहाँ पर स्वर है। तो दूसरे शब्द की प्रथम वर्ण की जो ध्वनि है वो स्वर भी हो तो भी विसर्ग किस में बदल जाता है, विसर्ग रे में, आधे रे में बदल जाता है। तो ये यहाँ पर नी विसर्ग रे में बदलेगा, तो रे आधा है, इधर हमारे पास क्या है, स्वर है, ऊ स्वर है, तो ऊ की मात्रा रे में लग जाएगी, आधे रे में लग जाएगी, तो आधा रे क्या हो जाएगा, पूर्ण व्यंजन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, नीरु और ये इसके बाद में यहाँ से ऊ हट जाएगा तो तर बचेगा, तो तर जैसा का जैसा उतर जाएगा, तो ये शब्द बना हमारे पास निरुत्तर। इसी तरीके से नीही प्लस उपाय, नीही प्लस उपाय, यहाँ ने में ई की मात्रा लगी हुई है, इसके बाद में तो यहाँ ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये आ गया है ई, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी हो, इसके बाद में विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद में यहाँ पर ऊ आ रहा है, और ऊ यानी कि यहाँ पर स्वर होते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, तो ऊ स्वर है। तो आधार रे में बदलेगा, यहाँ पर ई आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है, इधर ऊ आ रहा है, तो छोटी ई या बड़ी ई के बाद विसर्ग आए, और विसर्ग के बाद यदि स्वर आता है तो विसर्ग है वो आधे रे में बदल जाता है। अब विसर्ग आधे रे में बदलेगा तो हमारे पास इधर स्वर है, इसलिए स्वर की मात्रा विसर्ग आधे रे में लग जाएगी, तो रे पूर्ण व्यंजन बन जाएगा। ये इसलिए अब ये जैसा का जैसा रहेगा, नी विसर्ग की जगह रे हो जाएगा, नी र आधा रे रहेगा ये, इसके बाद ये स्वर की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन हमेशा अपूर्ण होते हैं। स्वरों की मात्रा व्यंजनों में, स्वरों की मात्रा लगती है जब व्यंजन पूर्ण बनते हैं, वरना व्यंजन अधूरे होते हैं। तो यहाँ पर ये आधा रे बना विसर्ग, आधे रे में बदल गया, आधे रे में बदला। हमारे पास यहाँ ऊ था तो ऊ की मात्रा इसमें लग जाएगी, तो नीरु और ये पाए जैसा का जैसा उतर जाएगा, तो ये शब्द बना हमारे पास निरुपाय। इसी तरीके से यहाँ पर पांचवा उदाहरण है दुहु प्लस जन, ये यहाँ पर ऊ आ रहा है, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, ये प्रथम शब्द है और ये दूसरा शब्द है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखा जाता है, तो यहाँ पर ये प्रथम शब्द हुआ और ये यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा शब्द हुआ, तो यहाँ पर ऊ आ रहा है, ये स्क्वायर लगा हुआ है या ये घात लगी हुई है ऊ के ऊपर, दो की घात लगी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो। तो दुहु के बाद विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद में यहाँ पर जय आ रहा है, तो जय कहाँ पर आ रहा है, ये जय छह वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो छह वर्ग का तीसरा वर्ण यहाँ पर आ गया है, ये तीसरा वर्ण है, तो आराम से विसर्ग क्या है, किस में बदल जाएगा, आधे रे में बदल जाएगा। अब इधर हमारे पास क्या है,
स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए आधा जो रे है वो आधा का आधा रहेगा। तो दू र जन, ये यहाँ पर रे आएगा, जो ये आधा है जो बाद वाले वर्ण में वर्ण के ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा दुर्जन। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि का तीसरा नियम। विसर्ग संधि का तीसरा नियम है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि अ या आ हो और इसके बाद विसर्ग आए तथा विसर्ग के बाद क ख प फ वर्ण आए तो विसर्ग विसर्ग में बदल जाता है। इसी तरीके से और अलग तरीके से यहाँ पर समझाया गया है, यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो तथा बाद में क ख प फ वर्ण आए तो विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है, यानी कि विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है। तो जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द के दो खंड करते हैं, पहले खंड को पहला शब्द और दूसरे खंड को दूसरा शब्द कहते हैं। संधि विच्छेद करते समय प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है। तो प्रथम जो वर्ण है, प्रथम शब्द है, उसके अंतिम वर्ण की ध्वनि तो ए या आ होना चाहिए और उसके बाद विसर्ग होना आवश्यक है, तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि इनमें से क ख प फ इनमें से कोई सा वर्ण होना आवश्यक है। जब इस स्थिति में विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होता है, विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, जहाँ विसर्ग लगा होता है विसर्ग यथावत रूप से उसी जगह रहता है। यहाँ पर कई उदाहरणों द्वारा समझाया गया है, जैसे पहला उदाहरण है प्रातः प्लस काल। प्रातः प्लस काल ये क्या है, ये प्रथम शब्द है और ये दूसरा शब्द है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है तो अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पर ते है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है त, और ते में मात्रा लगी हुई है किसकी, ते में ए जुड़ा हुआ है ए। इसके बाद विसर्ग आ रहा है, इसके बाद में फिर दूसरा जो शब्द है उसके प्रथम वर्ण की ध्वनि क्या है क, प्रथम वर्ण की ध्वनि क्या है क, तो के आ रहा है, तो अ या आ इनमें से कोई सा भी वर्ण हो तो यहाँ पर अ आ गया है। इसके बाद विसर्ग आया है और विसर्ग के बाद क वर्ण आया है, इसलिए इसमें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रातः काल का ये प्रातः काल ही रहेगा, जैसा का जैसा ये शब्द है ये जैसा का जैसा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए प्रातः प्लस काल का हमने संधि विच्छेद किया, इससे शब्द बना प्रातः काल। इसी तरीके से दूसरा यहाँ पर उदाहरण है अंतः प्लस पूर्व। अंतः प्लस पूर्व, अंतः पूर्व का मतलब होता है महल के अंदर का वह स्थान जहाँ रानियाँ निवास करती हैं, उसे अंतःपुर अंतःपुर कहते हैं। तो ये यहाँ पर प्रथम शब्द और ये यहाँ पर दूसरा शब्द। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है तो अंतिम वर्ण है यहाँ पर त, और दूसरे वर्ण के प्रथम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है तो प्रथम वर्ण है यहाँ पर प, प है, तो ये यहाँ पर प आ गया है। प्रथम वर्ण में
तो अ या आ हो तो हमारे पास यहाँ पर अ आ गया, ते में ए जुड़ा हुआ है। इसके बाद में दूसरा जो शब्द है उसके प्रथम वर्ण की ध्वनि प, प है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग जैसा का जैसा रहेगा। तो इससे अंतः प्लस पुर से शब्द बना अंतः पुर, ये जैसा का जैसा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरीके से ये तीसरा उदाहरण है अधः प्लस पतन। अधः प्लस पतन, यहाँ पर ये प्रथम शब्द और ये दूसरा शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखा जाता है तो अंतिम वर्ण है यहाँ पर ध, और ध में मात्रा लगी हुई है अ की, अ की मात्रा लगी हुई है, जहाँ मात्रा दिखाई नहीं देती वहाँ पर अ की मात्रा होती है। इसके बाद में यहाँ पर विसर्ग आ रहा है, ये विसर्ग आ रहा है, और विसर्ग के बाद में ये प वर्ण आ रहा है, प वर्ण आ रहा है, इसलिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसा का जैसा रहेगा। तो ये हो जाएगा अधः प्लस पतन से शब्द बना अधः पतन। अधः पतन, बहुत से लोग अज्ञानता के कारण इसे अधोपतन कहते हैं, ये अधोपतन यहाँ पर गलत है और अधपतन यहाँ पर सही शब्द है या शुद्ध शब्द है, शब्द है। इसी तरीके से अंतः प्लस कथा, ये यहाँ पर प्रथम शब्द है, ये दूसरा शब्द है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है तो अंतिम वर्ण है यहाँ पर त, और त में मात्रा लगी हुई है अ की, अ जुड़ा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद यहाँ पर के वर्ण आ रहा है, के वर्ण आ रहा है, तो दूसरा शब्द है उसके अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है क, तो ये तो दूसरा शब्द हुआ, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि, और ये पहले शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि है। ये स्थिति अगर होती है तो विसर्ग का विसर्ग विसर्ग ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अंतः प्लस कथा, तो ये अ आ रहा है, इसके बाद विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद में ये के वर्ण आ रहा है, इसलिए ये क्लियर हो चुका है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। इस प्रकार से ये अंतः प्लस कथा से शब्द बनेगा अंतः प्लस कथा, इसमें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत से लोग अज्ञानता के कारण इसको अंतरकथा कहते हैं, ये अंतरकथा गलत शब्द है, और ये अंतः कथा ये सही शब्द है। इसी तरीके से यहाँ पर प पह प्लस पान, प्रथम शब्द और ये दूसरा शब्द, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है तो अंतिम वर्ण है यहाँ पर य, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है तो प्रथम वर्ण है यहाँ पर प, प्रथम वर्ण क्या है यहाँ पर प है, यु प, तो यहाँ पर ए जुड़ा हुआ है, यम किसकी मात्रा लगी हुई है अ की मात्रा लगी हुई है। इसके बाद में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है पे आ रहा है, तो ये अ आ गया, ए के बाद ये विसर्ग आ गया, और विसर्ग के बाद में ये पे वर्ण आ रहा है, तो ये भी स्थिति बन चुकी है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसा का जैसा रहेगा। तो ये प पह प्लस पान से शब्द बनेगा पय पान। कुछ लोग अज्ञानता के कारण इसे पयोपान कहते हैं, ये पयोपान गलत शब्द है, और पय पान ये शुद्ध शब्द है। इस तरीके से आज हमने विसर्ग संधि का दूसरा नियम और तीसरा नियम विधिवत रूप से पढ़ लिया है। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।